News 18, India. इस बीच बड़ी खबर, एक अच्छी खबर पहाड़ों से आ रही है। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका असर NCR में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह से ही स्नोफॉल हो रहा है, जिससे वादियों का मौसम एक बार फिर से सुहावना हो गया है। बालाटाल, उधमपुर, पुंछ में ताजा बर्फबारी ने वादी को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बर्फबारी की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर की तरह ही हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, और चार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम खुशनुमा हो चुका है। कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हम इस वक्त गुलमर्ग रोड पे हैं और आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक जाम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है सड़कों पे और फिसलन भी है। लेकिन इस बीच टूरिस्ट हर तरफ से एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई सेल्फी ले रहा है, कोई एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहा है। ये देखिए, ये इनका साथी आ गया और अब शायद बर्फ फेंकेगा इन पे। बहुत ज्यादा बर्फ सड़कों पे जमा हुई है, फिसलन बहुत ज्यादा है। अब बहुत ही एहतियात के साथ जो है गाड़ियां लोगों को चलानी पड़ रही हैं और चेन्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं ये स्नो क्लियरेंस की जो मशीन्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया दिन में भी, ताकि जल्द से जल्द जो है स्नो क्लियर हो सके। ये आप देख सकते हैं, ये नज़ारा इस वक्त गुलमर्ग रोड का, और खूब नज़ारा कर रहे हैं लोग। जितने भी टूरिस्ट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और इर्द गिर्द जो भी आप लोग देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर आ रहे हैं। जहाँ पर भी नज़र दौड़ाई जा रही है इस रोड पे, वहाँ टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं, यानी पूरा फुल है जितने भी होटल्स हैं। तो ये है स्नोफॉल का असर और ये है स्नोफॉल की कशिश, अट्रैक्शन। जहाँ पे भी हम देख रहे हैं वहाँ टूरिस्ट आए हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं खूब। तो कैसा लगा यहाँ आके आप? अच्छा है, वो फर्स्ट टाइम आएगा, बहुत अच्छा है, देखने का अच्छा है। वो पहली बार स्नोफॉल देखा? पहले नहीं देखेगा, पहली बार देखा है। हाँ। कहाँ से आए हैं? अभी वो केरला में आता है। केरला से आए? आप देखिए, साउथ इंडिया से लोग आए हैं और बिहार से कुछ लोग आए हैं, महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं। चाहे वो साउथ इंडिया के हों, नॉर्थ इंडिया के हों, जितने भी लोग हैं भारतवर्ष से लोग आए हैं यहाँ पे और खूब एंजॉय कर रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज 18 इंडिया, गुलमर्ग। बर्फबारी लगातार हो रही है कश्मीर घाटी में। इस बीच हम आपको कुछ नया दिखाएंगे, कुछ डिफरेंट दिखाएंगे। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं वो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं बर्थडे केक इन्होंने लाया है। बर्फ हो रही है और अब ये केक काटेंगे। बर्थडे किनका है? और पहले केक काटिए, किनका है? अच्छा, आपकी वाइफ का है। तो करिए आप केक काटिए। तो फिर जो है एकदम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये, और तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बर्थडे मनाया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बर्थडे केक काटा। तो समथिंग डिफरेंट है ये, कुछ अलग है ये। यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे इतने खुश हो गए, इन्होंने अब केक उतारा और उसके बाद जो है बर्थडे मना रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंट जो हमारे दर्शक हैं देश भर से, दुनिया भर से देख रहे हैं, उनको दिखाना चाहेंगे कि कश्मीर कितना अट्रैक्टिव है आजकल और क्या मजा है कश्मीर में। आप बताइए कैसा लगा कश्मीर आके? जबरदस्त, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इट्स नो एक्सपीरियंस, आई रियली लाइक। बर्थडे ऐसे कभी मनाया है? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो आप बताइए, आप अपनी वाइफ का बर्थडे यहाँ पे मना रहे हैं, देखिए कौन है? मैं वैसे ज्यादा केक नहीं खाता, लेकिन उन्होंने खिलाया, प्यार से खिलाया, मैंने भी खाया। बताएंगे बस, अब कुछ ना पूछो तो बहुत है, इतना खुश है कि इसके लिए मतलब अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने एक बुके भी दे दी, और इनका बर्थडे है। आपके साथ जब बात नहीं करेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा ना इसमें। आप बताइए कैसा लगा यहाँ के, और बर्थडे गाड़ी के ऊपर मनाया, केक यहाँ पे है, क्या बताइए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल टू माय हस्बैंड, थैंक यू बेबी फॉर मेकिंग माय डे ऑल स्पेशल। तो इन्होंने आपका दिन स्पेशल बनाया, बर्फबारी ने नहीं बनाया, मोर स्पेशल, नेचर ने नहीं बनाया, उसने तो एक्स्ट्रा स्पेशल बनाया, एक्स्ट्रा स्पेशल बनाया। क्या बताना चाहेंगे और? आप बताइए कभी सोचा था कि इस तरीके से आप बर्थडे मनाएंगे अपनी वाइफ का और बर्फबारी का? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। फर्स्ट टाइम करके दिखाया। तो कुछ नया आज हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से लोग खुश हैं जो कश्मीर आ रहे हैं, कितना उत्साह है उनमें, कितना एंथुजियाज्म है उनमें कि वो यहाँ पे आते हैं और उसके बाद बर्थडे जो है वो यहाँ पे मनाते हैं, और बिल्कुल खुले आसमान तले बर्फ हो रही है, इन्होंने केक काटा और यहाँ पे इतने खुश हैं कि ये बर्थडे हर जगह पे इस तरीके से नहीं मनाया जा सकता है। ये कश्मीर की
कुदरती खूबसूरती का असर है या बर्फबारी का असर है कि इनको मजबूर कर दिया कि ये बर्थडे जो है, ये शख्स जो है, इन्होंने अपनी वाइफ का बर्थडे गाड़ी के ऊपर मनाया और वो भी बर्फ़ गिरते गिरते। समथिंग डिफरेंट आई वॉन्टेड टू शो टू यू ऑल पीपल। उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनका परिवार भी डांस करता हुआ नजर आया। तेंदुलकर की गाड़ी तंगमार के गुलमर्ग रोड पर जाम में फंस गई। वे जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं और वहां वे अपने परिवार के साथ गुलमर्ग जा रहे थे और इसी दौरान बर्फबारी की वजह से लगे जाम में वो फंस गए और उसके बाद वहां मौजूद जो आसपार पर्यटक गाड़ी में फंसे हुए थे उनसे बातचीत करते हुए भी सचिन तेंदुलकर नजर आए, अपने फैंस से मिले और इसके पहले एक बल्ला बनाने वाली अवंतीपुरा में वो फैक्ट्री में भी गए थे जहां पर वो बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए। लेकिन फिलहाल बारामूला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुलमर्ग जाते वक्त तंगमर्ग में, जब सचिन तेंदुलकर जो कि अपने पूरे परिवार के साथ जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकले हैं बर्फबारी की वजह से जाम में फंसे हुए नजर आए। बारामूला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इस वक्त मौजूद हैं। गाड़ी के शीशे के अंदर से देखिए एक तरफ बर्फबारी लगातार हो रही है और ऐसे में बर्फबारी के बीच में हाईवे पर जाम लगा हुआ है और सड़क पर पूरी तरीके से बर्फ जमा होने की वजह से रास्ता क्लियर नहीं है और ऐसे में सचिन तेंदुलकर अपने पूरे परिवार के साथ एक तरफ इस बर्फबारी का मजा ले रहे थे, वहीं इंतजार इस बात का था कि किसी तरीके से ये जाम खुले। हालांकि इस बीच कुछ ऐसे उनके फैंस भी थे जिनसे आनंदीबेन पटेल, ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल ने मेरे सहयोगी देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष श्री, अन्य महानुभाव, देश विदेश से यहां आए औद्योगिक क्षेत्र के सभी प्रतिनिधिगण और मेरे परिवारजनों, आज हम यहां विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। और मुझे बताया गया कि इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ